हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीथिंग। ऐसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि स्नैप फूडी की यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं। आज इस वीडियो में हम स्नैप फूडी के इंटरफेस की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्नैप फूडी को ओपन कर लेते हैं और यहां पर इंटरफेस की सेटिंग करने के लिए हम एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रीफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और तो इस तरह का डायलॉग विंडो हमारे सामने आएगा। यहाँ इंटरफेस वाले ऑप्शन में ये इंटरफेस की सारी सेटिंग्स है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है लैंग्वेज का, जहाँ इंग्लिश यूएस वाई डिफॉल्ट लगी हुई है। अगर आप कोई और लैंग्वेज लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन की कोई और लैंग्वेज लगा दी जाए जो आपको पसंद हो, अरबिक, फ्रेंच या जापनीज, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसको लगा सकते हैं। उसके लिए आपको लैंग्वेज का पैक डाउनलोड करना होगा। उस पैक को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा और यहाँ से उसको सिलेक्ट करके आप पूरे एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्कीम। यहाँ पर स्कीम जो है डार्क लगी हुई है अभी। अगर हम इसको लाइट लगा देंगे तो पूरे एप्लीकेशन का कलर जो है इस तरह से दिखाई देने लगेगा, और अगर हम वापस डार्क क्लिक कर देंगे तो इस तरह का दिखाई देने लगेगा। उसके बाद है जीआई फॉन्ट। जीआई फॉन्ट क्या होता है? जो हमें अभी पूरी स्क्रीन पर फॉन्ट दिखाई दे रहा है, किस स्टाइल में दिखाई दे रहा है, कैसा लिखा हुआ है, ये जीआई फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी इसे जो यूआई फॉन्ट लगा हुआ है तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा था, अब हम इसको चेंज करके यहाँ पर ये वाले फॉन्ट को लगा देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये मैसेज शो हुआ है जिसमें लिखा है जो आपने चेंजेस करे हैं वो आप जब इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करेंगे बंद करने के बाद दोबारा से खोलेंगे तो ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर जो ब्लैक कलर का एक एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसके और भी ऑप्शन खुल जाएंगे नीचे। फॉन्ट को रेगुलर रखना चाहते हैं या बोल्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ से उस पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज़ क्या रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसको हम बंद कर देंगे और इसको दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो जो फॉन्ट हमने लगाया है वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर से जो यूआई फॉन्ट लगा था तो हमें उस टाइप का दिखाई दे रहा था, अब हमने फॉन्ट चेंज कर दिया तो इसकी जो फॉन्ट है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें। सारे एप्लीकेशन में फॉन्ट चेंज हो गया है। इसको हम वापस वैसे ही कर देंगे। उसके लिए एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रीफरेंस पर क्लिक करेंगे और जीआई फॉन्ट में सीजे यूआई को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद इसको दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट हमने लगाया है वो वापस वैसे ही लग जाएगा। ये देखिए, वापस वैसे ही हो गया। इसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके बाद अगला ऑप्शन है मोनो स्पेस्ड फॉन्ट। ये फॉन्ट डायलॉग विंडो में स्क्रिप्ट को शो करने के लिए होता है। स्क्रिप्ट क्या होती है? यहाँ पर एक ऑप्शन है टूल्स, स्क्रिप्ट मैनेजर। यहाँ पर स्क्रिप्ट मैनेजर में जो हमें लिखा हुआ दिख रहा है ये स्क्रिप्ट है। इसका जो फॉन्ट है वो अभी कॉरियर न्यू है। अगर हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इस वाले फॉन्ट को लगा देंगे, ओके कर देंगे, और जब हम इसको दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं और अब हम जाके स्क्रिप्ट में देखेंगे तो ये देखिए, जो हमने फॉन्ट लगाया था वो फॉन्ट लग गया है। हम इसको वापस वैसे ही कर देते हैं, जो फॉन्ट लगा था वही लगा देंगे। उसके लिए एडिट पर क्लिक करके प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में हमारा लगा था यहाँ पर फॉन्ट कोरियन न्यू, तो हम इसी पर क्लिक करके ओके कर देंगे और इसको दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। और स्क्रिप्ट में जाके देखेंगे, स्क्रिप्ट मैनेजर में देखिए, यहाँ पर जो हमने फॉन्ट लगाया था वो लग गया है। दोबारा से हमने उसका फॉन्ट वैसे ही कर दिया। इसके बाद अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है उसमें। एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगला ऑप्शन है शो बबल हेल्प। बबल हेल्प क्या होती है? जब हम किसी टूल्स पर या मेन्यू पर कर्सर को होल्ड करके रखते हैं तो उसके नीचे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो बबल के रूप में नीचे दिखाई देने लगती है। बबल के थ्रू हमें उसकी इंफॉर्मेशन दिखने लगती है। जैसे अगर हम मूव टूल पर कर्सर को थोड़ी देर रखेंगे तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नीचे दिखने लगी। मूव टूल शॉर्टकट की क्या है इसकी, अगर हम इस वाले इस पर रखेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन दिखने लगी। अगर हम इस वाले
पे रखेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लगी, लेकिन अगर हम इसको अनचेक कर देंगे यहाँ से तो अब हम किसी भी टूल की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, हमें नहीं मालूम चलेगा ये टूल किस बारे में है या इससे क्या होगा। ये देखिए, इस पे होल्ड करा कर्सर को तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हम इस वाले चेक को लगा देंगे ताकि हमें जो भी हम टूल से यूज़ करें उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस टूल का यूज़ क्या है और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगला ऑप्शन है शो आइकन इन मेन्यू। जब हम कोई मेन्यू ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें उन मेन्यू से पहले आइकन दिखाई देती है, जैसे लाइव सिलेक्शन इसका आइकन कैसा है, इस तरह का है। तो आइकन के थ्रू हम चीज़ों को जल्दी पहचान लेते हैं, ऑप्शन को जल्दी समझ जाते हैं। अगर हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर देंगे और फिर हम जाके मेन्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें किसी भी मेन्यू का कोई आइकन नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको वापस से चेक लगा देंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन है शो शॉर्टकट इन मेन्यू। जब हम कोई मेन्यू खोलते हैं तो उसके जो शॉर्टकट होते हैं जो हम कीबोर्ड से करते हैं, जिससे हम उसको जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं कीबोर्ड से, तो जो शॉर्टकट की होती हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है मेन्यू के आगे। जैसे ये इसकी है रेंडर व्यू, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, कीबोर्ड से हम इसको कंट्रोल आर करेंगे तो रेंडर व्यू हमें शो हो जाएगा। अगर हम इस वाले ऑप्शन को शो शॉर्टकट इन मेन्यू को अनचेक कर देंगे तो यहाँ से हमें इनकी शॉर्टकट की नहीं दिखाई देगी किसी भी मेन्यू की, तो हम इसको वापस से चेक लगा देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एट व्यू सेंटर। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एकदम सेंटर में बनता है, यहाँ पर हमने क्यूब ऑब्जेक्ट बनाया तो एकदम सेंटर में आया। जब हम इसको मूव कर देंगे और इसको डिलीट करके फिर से बनाएंगे एक और ऑब्जेक्ट तो वहीं पर बनेगा जहाँ इसका सेंटर है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर मूव कर देंगे, फिर से डिलीट करके बनाएंगे तो फिर से वही बना जहाँ उसका सेंटर है। लेकिन जब हम इस वाले व्यू को क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एट व्यू सेंटर इस वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट वहाँ बनेगा जहाँ हमारा व्यू का सेंटर होगा। अभी हमारा व्यू जो हमारे सामने है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये देखिए, अब हम इसको मूव कर देंगे तो हमारे व्यू का सेंटर अब यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसको हम मूव कर देंगे तो हमारे व्यू का सेंटर यहाँ है, अब हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इसके सेंटर में बनेगा। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे और फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनको डिलीट करके दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ बनाएं जहाँ उसका एक्चुअल सेंटर है। ये देखिए यहाँ पर। इसके बाद अगला ऑप्शन है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट एट। अभी यहाँ पर टॉप सेट है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बने, इस ऑब्जेक्ट मैनेजर में कहाँ पर आए, टॉप में आए या नीचे आए या ऊपर आए, तो उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक और बनाएंगे, तो ये सब अभी ऊपर बनते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वाले ऑप्शन को प्रीवियस कर देंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव होगा उसके पहले वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए, और अगर हम यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट कर देंगे तो जो भी एक्टिव होगा ऑब्जेक्ट उसके अगले नेक्स्ट में अगला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से पेरेंट कर देते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा और जो नया ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो इसका पेरेंट बन जाएगा। ये देखिए, चार नंबर का एक्टिव था और जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया वो इसके पाँचवें नंबर पेरेंट में आ गया। इसके बाद चाइल्ड कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा और जो हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसके चाइल्ड में आ जाएगा, इसके अंदर आ गया, इसके चाइल्ड में आ गया। इसके बाद रूट, जब रूट पर क्लिक कर देंगे तो एक सीरीज में एक के अंदर एक जितने भी ऑब्जेक्ट या क्यूब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे जो हम अगला ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो रूट बन जाएगा और ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने अभी ये वाला जो बनाया है वो
ऑब्जेक्ट वो ये दिखाई दे रहा है ऊपर, और इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेस्ट न्यू ऑब्जेक्ट। पेस्ट न्यू ऑब्जेक्ट ऐड की सेटिंग भी उसी तरह है जिस तरह से ऊपर की सेटिंग हमने करी है, पर वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट कर रहे थे और यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट करना है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करके पेस्ट करें तो वो कहाँ पर पेस्ट हो, टॉप पर, प्रीवियस, नेक्स्ट, पेरेंट, चाइल्ड, रूट, तो इसकी सेटिंग भी सेम ऊपर की ही तरह है। इसके बाद अगला ऑप्शन है एट्रीब्यूट मैनेजर सिलेक्शन लिमिट। ये क्या होती है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको सिलेक्ट करके जब हम उसकी सेटिंग करते हैं तो ये वाली जो हमें विंडो दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसके जो इतना पार्ट है जो है एट्रीब्यूट मैनेजर है, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमें कई सारे ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट करके एक साथ सेट करना हो, मान लीजिए 10 क्यूब है और 10 की हाइट विद हमें एक साथ सेट करना है, तो यहाँ से हम उनको सेलेक्ट करके यहाँ से उनकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम कई सारे क्यूब और बना लेते हैं, इस तरह से हमने बना लिया और इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो एट्रीब्यूट मैनेजर में यहाँ पे दिख रहा है हमें क्यूब ऑब्जेक्ट 14 एलिमेंट सिलेक्टेड है, जितने 14 एलिमेंट हमने बनाए हैं वो 14 के 14 सिलेक्ट हैं, और उनकी एक बार में हाइट विड्थ हम सब सेट कर सकते हैं, बाकी सेटिंग भी सेट कर सकते हैं। जो इनकी कॉमन सेटिंग होती है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट मैनेजर सिलेक्शन लिमिट जो है कम कर देंगे, 10 कर दें, 10 से कम नहीं होती है, तो यहाँ पर जब हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब एट्रीब्यूट मैनेजर में हमें दिख रहा है क्यूब ऑब्जेक्ट 10 एलिमेंट सिलेक्ट, क्योंकि हमने इसकी लिमिट 10 कर दी है और यहाँ पर हमें सिलेक्टेड सब दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सिलेक्ट 10 ही है, 10 ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट है और इन 10 ऑब्जेक्ट की ही सेटिंग होगी। जो स्टार्टिंग से ऊपर से जो 10 ऑब्जेक्ट है वही सिलेक्ट है और उन्हीं की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी लिमिट बढ़ा देंगे, 5000 कर देते हैं, तो हम 5000 ऑब्जेक्ट तक एक बार में सिलेक्ट करके उनकी सेटिंग एक साथ कर सकते हैं और इनको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इनकी एक साथ सेटिंग कर सकते हैं। इसकी एट्रीब्यूट मैनेजर सिलेक्शन लिमिट जो है 10 से 1 लाख तक कर सकते हैं। तो ये थी इंटरफेस की सेटिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी ये वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचते रहें।